नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है बदलता सऊदी अरब, नया आकार लेता हुआ। आज के हमारे शो के मेहमान हैं कनाडा से टीवी पैनलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक बैरिस्टर हामिद भंसानी साहब। हामिद साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। भारत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीवी पैनलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और भारत से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रजा साहब। मौलाना साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिश्रा जी नमस्कार, डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। नमस्कार 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 सर, हमें भी सलाम वालेकुम कह देते, हम भी वालेकुम सलाम कह देते आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल साहब, आपको क्यों नहीं कहेंगे। जी, प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि हम इस वक्त YouTube, ट्विटर और फेसबुक तीनों पर लाइव जा रहे हैं, और YouTube पर हमें सब्सक्राइब करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के हमारे मेहमान से मैंने आपका परिचय करवा ही दिया है, इसके बाद मैं प्रोग्राम की जिस तरह से शुरुआत करूं उससे पहले मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगी कि किस चीज पर आज का हमारा जो डिबेट है वो सेशन ओपन होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं इसको गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि सऊदी अरब ने न केवल बदलाव के रूप में एक नया आकार लिया है, बल्कि सभी धर्मों को साथ लेकर खड़ा हो रहा है। पिछले 2 साल से लगातार मैं अपने कुछ आर्टिकल्स में भी यही बात लिख रही हूँ कि सऊदी अरब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में न केवल बदलाव लाएगा बल्कि मुस्लिम मानसिकता को भी बदलेगा। भले ही वो धीरे प्रयास कर रहा हो, लेकिन वो कर रहा है जो कि काबिले तारीफ है। प्रिंस सलमान खुला समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां सबकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। यही वजह है कि प्रिंस सलमान सऊदी अरब में महिलाओं की स्थिति में बड़ा बदलाव ला रहे हैं, बात चाहे कार ड्राइविंग की हो या फिर फौज में महिलाओं को शामिल करने की हो। यूनाइटेड अरब अमीरात भी सऊदी अरब के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने समाज को तेजी से बदलाव ला रहा है, और आपने देखा होगा अभी हाल ही में नासा के एस्ट्रोनॉट प्रोजेक्ट में भी सऊदी अरब से यूनाइटेड अरब अमीरात से शामिल हुई हैं महिलाएं हमारे बड़ी तेजी से। और हो सकता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि वह दिन दूर नहीं जब यूरोप मुस्लिम वर्ल्ड बन जाएगा और मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो यूरोप में तब्दील हो जाएगा, और हो सकता है यूरोप से कहीं ज्यादा बेहतर समाज बने। प्रिंस सलमान और यूएई दोनों ही इसके लिए बधाई के पात्र हैं। विजन 2030 के तहत जो उन्होंने शिक्षा में बड़ा बदलाव किया है, उसमें स्कूली शिक्षा में अलग देशों की संस्कृति को समझने के लिए प्रिंस सलमान ने जिस चीज की शुरुआत की है वो भारत से रामायण और महाभारत ग्रंथों को सब्जेक्ट में शामिल किया गया है। कुछ लोगों का इस पे नजरिया डिफरेंट हो सकता है और कुछ लोग इससे इत्तफाक रख सकते हैं, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा सबसे पहला सवाल हामिद साहब आपसे है, ये जो बदलाव हो रहा है सऊदी अरब जिस तरह से स्कूली शिक्षा में रामायण और महाभारत को शामिल कर रहा है, इस पॉइंट को आप किस नजरिए से देखते हैं? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, और सबको मेरी तरफ से आदाब। बात यह है कि देखें, ये तो सऊदी अरब हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो एक ऐसा कदम उठा रहा है जो ना सिर्फ सऊदी अरब का जैसा कि आपने कहा, बल्कि पूरी जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका मकादर बदल सकता है। क्योंकि हमारा तजिया ये है कि जो मकादर नेगेटिवली बदला है इस्लामिक वर्ल्ड का ड्यूरिंग लास्ट 20 ईयर्स, और स्पेसिफिकली जो कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इस तरह के मुल्क जो तबाह बर्बाद हुए, उसके पीछे भी सऊदी अरब के जो पॉलिसीज थी उनका एक बड़ा हाथ रहा है। और उन पॉलिसीज का ताल्लुक जो है वो जाके 78-79 से बनता है, जब सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान के हवाले से एक जो इंटरवेंशन हुई और उसके बाद जो वाकयात हुए उसकी वजह से, जैसा कि आपने भी कहा और ये अब नाउन फैक्ट है, हम सब जानते हैं, और जो सऊदी लीडरशिप है उसने तस्लीम किया है कि उन्होंने वेस्टर्न कुवतों की हिमा पे, उनके कहने पे जो है वो सऊदी अरब के अंदर एक जो फंडामेंटलिस्ट पॉलिसीज थी उनको सपोर्ट किया, उनको लॉन्च किया, और उनको बाकी इंटरनेशनली जो इस्लामी दुनिया में जहाँ कहीं भी उनका पहुँच थी उसको उन्होंने प्रोमोट करने की कोशिश की। जी। बाकी मुल्कों का तो खैर आपको पता होगा इंडिया में क्या सिचुएशन थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो तबाही और बर्बादी का एक तूफान आया जिसमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और शिदत पसंदी को इतनी बड़ी हवा मिली, और ये जो दहशतगर्दी हुई और खून खराबा हुआ,
कत्लो गारत करी हुई, इसके पीछे बुनियादी तौर पे ये जो एक पॉइंट था लाजमी किस्म का, यानी अगर 100% नहीं तो एटलीस्ट 80% इसमें यह था कि अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से और सऊदी अरब और दूसरे ममालक ने मिल के तो जो जहाद के नाम पे जो कार्रवाइयां करने की कोशिश की उसका ये फॉल आउट था। और उसमें जाहिर है कि बुनियादी तौर पे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप हुआ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें के बहुत सारे मदरसे कायम हुए, मसाजिद इस तरह की मार्ज़े वजूद में आई ओवरनाइट, या फिर ऐसे शेल्टर सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर आए जहाद के नाम पे रूस के खिलाफ और अफगानिस्तान के अंदर, जिसकी फंडिंग बुनियादी तौर पे जो है वो या सऊदी अरब से हुई या कुवैत से हुई या यूनाइटेड अरब एमिरेट से हुई। और जाहिर है ये फंडिंग दो तरह की थी, एक तो कम्प्लीटली जो है वो सरकारी सतह पे थी जिसको ऑफिशियली आप कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरे जो प्राइवेट पार्टीज थी जो इस तरह के वेल्दी लोग थे वो भी जो फंडिंग कर रहे थे वो भी विद दी कंसेंट और आशीर्वाद थी उनको भी गवर्नमेंट की, यानी ये नहीं कि वो कोई अपने तौर पे बल्कि उनके कहने पे इनकरेजमेंट पे जो है वो इस पे आ गए थे। और उसकी वजह ये थी कि ये सारा जो प्रोसेस था इसको स्टेट की सरपरस्ती में, स्टेट की सुपरविजन में जो है बाकायदा इसको लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से ये सारा जो है फॉल आउट हुआ, उसके नतीजे में जो कुछ हम सब ने भुगता वो हमारे सामने है। तो अब आके अगर 20-30 साल के अरसे के बाद बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी के बाद सऊदी अरब ने ये रियलाइज किया कि हमारी पॉलिसियां गलत थी, बल्कि उन्होंने एक्सेप्ट किया ओपनली, जिसको आप कह सकते हैं कि जी ये हमने वेस्टर्न फोर्सेस की हिमा पे किया था और अब हम इसको रिकंसिडर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक दिलेरी की बात है और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन ये इसका एक पॉइंट है जो वेस्टर्न फोर्सेस की जो जरूरियात थी, जो उस वक्त एक इंटरनेशनल इंपीरियलिस्ट लड़ाई थी उसके अंदर। लेकिन एक जरूरत होती है सोसाइटी की अपनी, के जहाँ पे आप सोसाइटी के अंदर से जो है वो आज़ादियाँ छीनते हैं अपने किसी भी नज़रिए की बुनियाद पे, हुआ वो आप इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हो या मॉडर्निज्म हो या डेमोक्रेसी हो, कोई भी नज़रिया है, लेकिन जब आप अपने अवाम के हकूक छीनना शुरू हो जाते हैं और उन पे एक इस तरह की अपनी एक आइडियोलॉजिकल चीज़ें इम्पोज करते हैं कि मसलन आपकी ख्वातीन ड्राइव नहीं कर सकती, आपको पर्दा करना पड़ेगा, या आपको ये चीज़ जो है वो इस तरीके से जो तर्ज ज़िंदगी है आपको इस तरह नहीं बल्कि इस तरह अपनाना पड़ेगा, यानी जो आप सोसाइटी को डिक्टेट और डायरेक्ट करना शुरू हो जाते हैं अपने जो है वो रिलीजियसली मोटिवेटेड नज़रियात की बुनियाद पे, तो वो मैं समझता हूँ कि एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है जो सोसाइटी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तरक्की के रास्ते में बनता है। और इस्लामी दुनिया में जितने तरक्की के रास्ते में रुकावटें हैं उनमें सबसे नुमायाँ तरीन रुकावट हिस्ट्री में जो रही है वो यही एक हमारा सबसे बड़ा अलमिया रहा है कि सोसाइटी को पाबंद करने की कोशिश की जाती रही अननेचुरली, कि आपका कोई भी नज़रिया, ख्वा वो आप इस्लाम के किसी एक फिरके से मुतल्लिक हैं, वह आपको इस्लाम के 1% भी जो जूरिस्ट हैं कानून दान है उनकी हमायत भी हासिल नहीं है, लेकिन आप ताकत के जोर पे या अमरीत के जोर पे, डंडे के जोर पे अवाम को जो है बंदूक की नाली के जोर पे जो है वो जन्नत की तरफ ले जाना चाहते हैं या एक खास लाइफ स्टाइल की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो वो सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है, जिसके नतीजे में ना सिर्फ इस्लामी दुनिया सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गई, नज़रियात के हवाले से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गई, बल्कि उनके तरक्की के सारे रास्ते रुक गए और एक दो नस्लें जो हैं वो तकरीबन जो है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत पीछे रह गए। इसकी अगर हम डिटेल में जाएं तो आप कंपैरिजन करके देख लें, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तालीम में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में, किसी चीज़ से भी आप कंपेयर करके देखें, वेस्ट को तो छोड़ें, आप अपने मुल्कों से इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, इस तरह के अपने इर्द गिर्द के ममालिक या आप जैसे ममालिक जो हैं उनसे कंपेयर करके देखें, तो आपको ये सामने नजर आएगा कि एक बहुत ही खौफनाक हद तक जो है वो मायूस कुन सूरत हाल डिवेलप हुई हमारी जो इस्लामी दुनिया में, महज ये जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है और ये जो रिएक्शनरी थिंकिंग थी इसकी वजह से। तो इसको अगर अब
उन्होंने चेंज करने की यह बेड़ा उठाया, तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ी जो है वो अप्रिशिएट करने की बात है। जहां तक बात हुई आपकी असल जो कि अगर वहां पे वो रामायण या दूसरी जो मुकद्दस किताब गीता है या कोई और मुकद्दस किताब है हिंदू मजहब की या बुद्धिज्म की या किसी और मजहब की वो पढ़ाना चाहते हैं, देखें दुनिया में जब हमने पढ़ना शुरू किया था, तो मैं जब कहता हूँ जब हम, तो वो कोई 100 साल पुरानी बात नहीं, कल की बात। जी तो हमारे यहाँ जो है वो इस्लामियात की जगह दीनियात पढ़ाते थे। दीनियात जो है ना, यानी जो थियोलॉजी है, जिसमें के उसमें होता था कि जी बुद्धिज्म क्या है, हिंदुइज्म क्या है, इस्लाम क्या है, यानी एक इंट्रोडक्शन टू द रिलीजन था जिसको हम दीनियात कह रहे थे और उसको हम पढ़ते थे, और उसको हमारे सारे लोग स्कूलों में, हमारी क्लास में दीनियात थी, इस्लामियात नहीं थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है डेलिबरेटली जो है वो सोसाइटी में लाया गया जो गलत तरीके से और गलत सोच की बुनियाद पे। तो सऊदी अरब अगर ये कहता है कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी नॉलेज वसी हो, वो कुरान शरीफ के साथ साथ जो है वो दूसरी इस तरह की किताबें भी पढ़ें ताकि उनको पता चले कि दुनिया में दूसरे मजाहब भी हैं और उनकी भी इक्वली रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे मजहब की है, तो इससे दुनिया में एक टॉलरेंस और भाईचारा और मोहब्बत जो है वो डिवेलप होगी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है, और आई विश के पाकिस्तान में भी इस तरह के कदम के बारे में कोई कभी सोच सके, क्योंकि आज हालत ये हो गई जिस वक्त सऊदी अरब जो है फंडामेंटलिज्म के रास्ते पे चला था, उस वक्त पाकिस्तान एक मॉडरेट रोशन ख्याल कंट्री थी। आज जो सऊदी अरब जो है वो एक मॉडरेट कंट्री के तौर पे इमर्ज हो रहा है और जिस तरह के वो ऐलानात कर रहा है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान एक रिएक्शनरी कंट्री है, जिसके अंदर ये बात तक भी करना कि आप यहाँ पे गीता बच्चों को पढ़ाएं या इस्लामियात की जगह दीनियात पढ़ाएं और बाकी मजाहब भी पढ़ाएं, एक रेवोल्यूशनरी रेडिकल कंसेप्ट समझा जाएगा। तो आई होप के वो इनिशिएटिव लें। सऊदी अरब, चूंकि सऊदी अरब का एक लीडिंग रोल है, तो वो अगर लें तो मुमकिन है उसकी वजह से इस तरह के बाकी मुल्कों पे भी असर पड़ेगा और जिंदगी जो है वो निस्बतन मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा हामिद साहब, और आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। मैंने तो अपने आर्टिकल में यह भी लिखा था कि क्या भारत की सरकार में इतनी हिम्मत है, जबकि अब रामायण और महाभारत जब सऊदी अरब में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, एक तरह से संस्कृति से दूसरी संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा, तो अपने देश में हमने इस चीज को क्यों महरूम रखा हुआ अपने बच्चों को, क्योंकि सियासी जो खेल चलता है वो कहीं ना कहीं अभी भी हमारी जड़ों के अंदर मिक्स बना हुआ है। मौलाना साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। हामिद साहब की आपने बात सुनी, आप उनकी बात से कितना इत्तफाक रखते हैं और आपका क्या कहना है इस पर? देखिए डॉक्टर साहिबा, हमीद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक नजरिए को रखा है, लेकिन पहले एक बात मैं आपके दर्शकों को वाजह कर देना चाहता हूं कि सऊदी अरब में अब तक के रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्लान सामने नहीं आया है कि उन्होंने रामायण पढ़ाने का या गीता पढ़ाने का कोई ऐसा प्रावधान रखा हो या ऐसा प्रोविजन रखा हो, अभी तक तो नहीं है। ना तो उनकी किसी वेबसाइट पे, मैंने परसों से जब से आपसे हमारा रापता हुआ जी है, हमने सर्च किया है, कहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो बुरा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मदीना यूनिवर्सिटी में दो सब्जेक्ट, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये पढ़ाया जा रहा है अभी, और कुछ चीजें और पढ़ाई जा रही हैं। मेरे कहने का मतलब है, हम हामिद साहब की पूरी बात से सहमत हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए सऊदी अरब एक बड़ा मुल्क है, और मैं तो सऊदी अरब का आज शुक्रगुजार इसलिए हूं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे भारत की ऐसी मुसीबत में मदद की है, हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है कि हमें ऑक्सीजन दिया। हमें खुशी इस बात की है कि सऊदी अरब ने इस चीज को समझा कि भाई हम भी उनके। अभी तक क्या होता था कि हमारे यहाँ का जो गोदी मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उसने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि वहां ये पढ़ाया जा रहा, वहां ये पढ़ाया जा रहा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक आर्टिकल अमेरिका से निकला, उस अमेरिका, हमारे यहाँ क्या है देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी चीज जरा सी निकलती है पूरी दुनिया में फैल जाती है। और इसके साथ भी वही हुआ है कि चार पांच सात चैनलों का मैंने सर्च किया है, तो चार पांच चैनलों ने इसको बहुत चलाया है कि साहब सऊदी अरब में ये हो रहा है। देखिए अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि इस्लाम में एक हदीस है, हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इल्म हासिल करो चाहे मुल्के चीन जाना पड़े,
अब मुल्क के चीन जाने का मतलब उस वक्त ये नहीं था कि सऊदी अरब से दूर बहुत है चीन, ना, मसला ये था कि चाइना में वो टेक्नोलॉजी पैदा होगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी, मेरे नबी ने वो इरशाद फरमाया था, इसलिए मुल्क चीन का तस्करा किया था। अब जहां तक सवाल सऊदी अरब में गीता पढ़ाने का है या रामायण पढ़ाने का है, देखिए ये हमारे यहाँ की दिल्ली हिंदुस्तान की हमारे हिंदू भाइयों के लिए मुकद्दस किताबें हैं, और मुझे लग रहा है कि हम लोगों को भी इसका एहतराम करना चाहिए, और अगर ये पढ़ाया जाता है तो इसमें बुरा क्या है, जितना ये पढ़ेंगे, मैं समझता हूँ डॉक्टर मनु साहिबा, जितना सऊदी अरब में रामायण को पढ़ाया जाएगा, गीता को पढ़ाया जाएगा, उतना इस्लाम समझ में आएगा लोगों के। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं आपके चैनल पे, जितना गीता पढ़ाया जाएगा, जितना रामायण पढ़ाया जाएगा, कहीं ज्यादा लोगों की समझ में इस्लाम आएगा। और एक तस्करा हमें साहब ने तस्करा किया है, कुछ साल पहले सऊदी अरब भटक गया था, मैं बात बता दूं, देखिए इस्लाम में दहशत गर्दी का कहीं कोई भी जर्रा बराबर भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस्लाम में, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा नजरिया पेश किया है कि इस्लाम में कत्ले आम है, इस्लाम में ये कर दो, अल्लाह अकबर कह करके किसी की जान ले लो। मेरे पैगंबर ने एक हदीस इरशाद फरमाई है, क्योंकि मैं एक मौलवी हूं और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अवाम तक सही बात पहुंचे, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है कि आपके पेट में उस वक्त तक दाना नहीं जाना चाहिए जब तक आपका पड़ोसी भूखा है, और पड़ोसी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कैद नहीं लगाई पैगंबर इस्लाम ने, बल्कि ये फरमाया कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। और जहां तक गर्दने काटने का सवाल है, एक बहुत बड़ा जुमला बोल के जा रहा हूं आपके चैनल पर, जो इस्लाम हरे भरे दरख्त काटने की इजाजत नहीं देता, इसलिए कि वो सायादार दरख्त किसी के साये के काम आ जाए, वो इस्लाम गर्दन काटने का परमिशन कैसे देगा। लेकिन लोगों ने इस्लाम को समझा नहीं है, अपना नजरिया थोपा है कि साहब देखिए इस्लाम ये कह रहा है, इस्लाम पहले इस्लाम को समझना चाहिए। अब सऊदी अरब जिस लाइन पे, जैसा हामिद साहब ने कहा है, मैं सलमान साहब के लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे। अब जो उन्होंने कुछ कुछ चीजें उन्होंने ज्यादती की है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से इस्लाम में तरीका नहीं है, जैसे सिनेमा हॉल खोल देना, मॉल खोल देना, ये करना, वो हम उससे उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन जो और तब्दीलियां आई हैं, मैं 2018 में हज पे गया था, मैंने देखा वहां कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कितने दिल के साथ वो एक्सेप्ट करते हैं, कितनी मोहब्बत के साथ एक्सेप्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब आ जाते हैं आपके मेन पॉइंट पर, आपने जो स्लोगन बनाया है अपना, स्लोगन अच्छा है आपका, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत सलीके से आपने उसको राम का अवतार जिस तरह से आपने लिखा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं सऊदी हुकूमत से आपके चैनल के माध्यम से कि आप इन किताबों को पढ़वाइए ताकि लोगों की समझ में आए कि इस्लाम क्या सिखाता है। और एक बात मैं, शायद हामिद साहब हमारी बात से इत्तफाक करेंगे, मिश्रा जी हमारे बड़े अच्छे आदमी हैं, ये इत्तफाक करेंगे, डॉक्टर मनु साहिबा एक लफ्ज बोलता हूं आपके चैनल पे, मैंने कभी ये चैनल पे नहीं बोला है, लेकिन आज मैं बोलता हूं कि जहां तक दहशतगर्दी का सवाल है, आतंकवाद का सवाल है, एक बात नोट कर लीजिए, जो मुसलमान है, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, ईमान वाले की बात कर रहा हूं, जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता, इससे बड़ी बात मैं और नहीं बोल सकता। रजा साहब, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, मैं हामिद साहब के पास आऊंगी, उससे पहले मैं मिश्रा जी का एक कमेंट लेना चाहूंगी। मिश्रा जी, रजा साहब ने जो अभी बातें कही उससे आप कितना इत्तफाक रखते हैं, और वो रिसर्च करके कह रहे हैं, जबकि हम उनको रिसर्च करके लिंक भेज देंगे कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है कि वहां पे ये पढ़ाया जाएगा, ये प्रिंस सलमान का 2030 विजन के तहत ये चेंजेस हो रहा है वहां पे, और आपका रिसर्च शायद थोड़ा अधूरा रह गया होगा, हम भेजेंगे। लेकिन दूसरी चीज आपने जो मौलाना साहब वो कही कि इससे इस्लाम को समझने में आसानी होगी, मुझे एक बात बताइए, जब इस्लाम में कुरान इकलौती मौजूद है जो पूरे इस्लाम को बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करती है, तो दूसरे धर्म ग्रंथों को पढ़ के इस्लाम को समझने का ये कंट्राडिक्टिव सा थोड़ा सा हो गया, जरूरत ही नहीं है। तो दूसरी चीज जो आपने एड ऑन की कि भाई प्रिंस सलमान ने कुछ जो बदलाव किया, मॉल्स खोले या ऐसी चीजें खोली, तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मतलब ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए, उन्हें अभी भी बंद समाज के रूप में रहना चाहिए। आपसे इन पे मैं जरूर फीडबैक लूंगी, पहले मैं मिश्रा जी से जानना चाहूंगी। जी मौलाना साहब, आपके पास आऊंगी मैं, पहले मिश्रा जी से एक बार पूछ लेती हूँ। मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैम, कुछ भी बोलने के पहले दो तब्दीलियां बड़ी जबरदस्त हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि भाई जो उन्होंने हमको ऑक्सीजन का टैंकर भेजा उसके लिए थैंक्स, ऑफ कोर्स ग्लोबल लेवल पे देखें तो ह्यूमन बीइंग की मदद करनी चाहिए, ये उनका एक पहला अप्रोच रहा है पहली बार जो।
दूसरा जो ये है कि रामायण महाभारत गीता वगैरह स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, मैं बोलता हूँ ठीक है, हो सकता है कानूनी जामा अमला न पहनाया हो वहां की गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर ऐसे बात चल रही है या वहां के कानून में वहां के राजघराने के लोगों में जो टॉप लेवल है उनके दिमाग में एक ऐसी बात चल रही है, पॉजिटिव ख्याल चल रहा है, तो उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। देखिए इसमें सबसे आश्चर्य की बात क्या है, 1400 साल में जिस एरिया से, मैं पूरे गल्फ की बात करूं उस डायरेक्शन की, इसके पहले तो हमेशा आती थी घुड़सवार आते थे और हाथ में नंगी तलवार लेकर के आते थे। मैं इसको ऐतिहासिक इसलिए बोलता हूं कि पहली बार मदद के नाम पे गैस का टैंकर आया हुआ है, ऑक्सीजन का, पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि रामायण और गीता वगैरह को, अदरवाइज इसके पहले आप इतिहास उठा के देखिए वो सारे इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि जब मन होता था तब घुड़सवार आते थे, तब तो गारत मचाते थे। मौलाना साहब बहुत होशियार है, मैं इनको जानता हूँ, जब जरूरत होती है सिक्के का हेड दिखाते हैं, सिक्के का टेल दिखाते हैं। इन्होंने ये बोला कि भाई जो मुसलमान है वो ये नहीं हो सकता आतंकवादी, मैं मानता हूं, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ, कुरान में हदीस में सारी चीजें बहुत अच्छी लिखी है भाई, दुनिया या हम क्यों पढ़े, आप मुसलमान हैं आप समझिए ना, मैं मानता हूं कि आपने समझा है, मुसलमानों ने समझा है, मुसलमानों ने तो समझा है, जो उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो चीज हमें दिखाई पड़ रही है, मैं कुरान के मामले में अनपढ़ हूं तो दुनिया तो वही समझेगी। तो बेहतर यह है कि जैसे मैं एक जुमला बोलता हूं कि भाई उल्टा नमाजी मौलवी को डांटे, हमें रास्ता दिखाने की जगह आप इस्लामिक वर्ल्ड को जो मुसलमान है उनको बताइए कि कुरान को आप अच्छे तरीके से समझिए, हम जहां समझ रहे हैं हम समझ रहे हैं, चींटी मारना भी पाप है हम समझ रहे हैं, हम नहीं करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हामिद सर ने जो बोला मैं आपको बताऊं, बहुत बुजुर्ग है, जीनियस है, चेंजेस ऐसे ही नहीं होते हैं, ये वही सऊदी अरबिया है जहां पे जेब में श्री राम की या भगवान की फोटो रखने पे भी जेल या गला वाला कटता था, ये वार्निंग लिखी रहती थी वहां पे, जब आप एयरपोर्ट वगैरह पे उतरते थे दो चार वार्निंग होती थी। इतने सालों तक इन्होंने बिल्कुल अलाउ नहीं किया, अब ये जैनिज्म बुद्धिज्म को कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका जो है हृदय बड़ा उदार हो गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके पीछे भारत और भारत भूमि की एक खूबी रही है मैम, हम लोगों का हृदय परिवर्तित कर देते हैं, हम बड़े से बड़े जो है बेकार आदमी को, गंदे आदमियों को, गंदी सभ्यताओं को, क्रूर सभ्यताओं को, राजाओं को हम परिवर्तित कर देते हैं। इसका उदाहरण है डाकू अंगुली माल का उदाहरण देख लीजिए, और बहुत सारे उदाहरण मैं आपको देखूंगा, सिकंदर के साथ लड़ाई हुई, रिश्तेदारी हो गई वहां पे, उसके सेल्यूकस की बिटिया के साथ जो है शादी हो गई यहाँ पे, यानी जो एकदम से अशांत है, क्रूर सभ्यताएं रही है, जब वो भारत के संपर्क में आती है तब वो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। ये भारत की खूबी है। अभी जिस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री या एज ए कंट्री देखा जाए, उन्होंने गल्फ कंट्री से इंटरैक्ट किया, उसके पीछे एक रीजन ये भी है। अब थोड़ा सा हम ब्लंट इसकी एनालिसिस करते हैं, अभी तक सऊदी अरेबिया क्या क्या था, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की आप देखिएगा जब से उत्पत्ति हुई है, इवोल्यूशन हुआ है, अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए कई तरीके की चीजें यूज करते हैं, उसमें एक रिलीजन भी है, राजशाही बची रहे उसके लिए रिलीजन का भी बखूबी प्रयोग किया जाता है। 70-80 सालों तक, यानी जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये तकसीम हुआ, अलग हुए आपका खिलाफत और सऊदी अरेबिया एक अलग देश बना, पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए, वहां पे कब्जा करने के लिए इन्होंने वहावीज्म को फैलाया, मस्जिदों को हर जगह इन्होंने पैसे दिए, इन्होंने दुनिया के जितने भी मुसलमान के लोग हैं उनको इल्म से दूर रखा और बोला कि भाई तुम कोई काम हुनर मत करो, केवल नमाज पढ़ो, केवल मस्जिद में जाओ, वहाविज्म फैलाओ। रीजन क्या है, या तो उन्होंने कुरान को इंप्लीमेंट किया, या राजशाही ने, या मौलानाओं ने, उलेमाओं ने गलत पढ़ाया, ये उनका इंटरनल मैटर है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसकी व्याख्या करेंगे, हम समझेंगे आपने बिगाड़ा है आप उसको समझिए। और हम इस्लाम और हदीस पे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि वो सही है कि गलत है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हर धर्म ग्रंथ बहुत अच्छी चीजें बताता है। अब चेंजेस कहां पे हुए मैं आपको बता दूं, चेंजेस यहां पे हुए कि पेट्रोल जो पैसा आता था अब उनको अकल आ गई है कि अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, दुनिया में रहना है तो इल्म होना जरूरी है, ये बोलते हैं 1400 सालों से कि इल्म के लिए चीन जाओ, इनकी हकीकत ये है कि जब प्रिंटिंग प्रेस बनी, इजाद हुई, टर्की के खलीफा ने बोल दिया ये हराम है, 500 ऐसी चीजें गांव गांव से लेके बड़े बड़े शहरों में मौलाना लोग इस्लाम का हवाला देके, हदीस का हवाला देके हराम कर देते हैं। कोरोना का टीका बना, न जाने कितने लोगों ने उसको हराम करार दे दिया, फतवा दे दिया, इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और इन्होंने जानबूझ के, ये उदार हृदय के नहीं हुए हैं, इनके ऊपर मल्टी डायमेंशनल प्रेशर पड़ा है, भगवान ने, खुदा ने इनको अकल दे दी है।
टर्की इनके कंपटीशन में खड़ा हो रहा है, पेट्रोल के कारण इनकी इकोनॉमी चलने वाली नहीं है। अभी जब गल्फ वगैरह कंट्री ने, सऊदी अरेबिया ने बोला भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, रशिया ने मना कर दिया, बोला हम तो और प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन तो है ही, वहां पर उनकी इकोनॉमी की हालत खराब होने लगी है। यूएई ने भी इसीलिए किया। अब इनके ऊपर प्रेशर, मिलिट्री का प्रेशर है, ग्लोबल कम्युनिटी का प्रेशर है, इनको ये लग, अच्छा हिस्ट्री भी इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये अभी भी गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, पालते हैं, गजवाए यूरोप का इनका अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है, वहाविज्म को बदल करके इनको ये लग, देखिए पॉपुलेशन भी कितनी है गल्फ की, मैं बताऊं अगर पूरी दुनिया इनके खिलाफ हो जाए, ये ना तो मिलिट्री में आगे हैं, ना इल्म में आगे है, ना डॉक्टरी में, ना मेडिकल में, कहीं इवन पेट्रोल वगैरह भी फॉरेन के इंजीनियर वगैरह निकालते हैं, सड़क और गलियां भी, इल्म तो है ही नहीं इनके पास। अब ये इनका रूप बदल रहा है क्योंकि इनको अब हकीकत जो है दुनिया की देखनी पड़ रही है। इसमें मैं कोई विशाल हृदय नहीं मानता हूं, इसके पीछे जो फैक्ट है, सोशियो इकोनॉमिक ग्लोबल जो है वो प्रेशर है, टर्की इनके उसमें आ रहा है, इसराइल से अलग खतरा है, इकोनॉमिक प्रेशर है, इनको लग रहा है कि अगर हम इसी रवैये पे, जो हम 1400 साल के जिस रवैये पे चलते रहे हैं, आप कभी इमेजिन कर सकती हो, बोलते हैं कि कुरान में एक नुक्ते की जो है वो इजाजत चेंज नहीं किया जा सकता है, और इम्प्लीमेंटेशन ये हो रहा है कि काफिर के जो सब्जेक्ट हैं या मंदिर वहां बन रहा है या पढ़ाया जा रहा है, ये तो दो मुख्तलिफ विचार मैं देख रहा हूं। तो बिना किसी प्रेशर के ये ऐसा नहीं हुआ है इनको, ठीक है भगवान ने सद्बुद्धि दी, देर से दी, खुदा ने दी, मैं भगवान नहीं बोलूंगा, खुदा ने सद्बुद्धि दी, और मैं ये मानता हूं कि खुदा ने अच्छी चीजें ही बोली हैं, अब अच्छी चीजों को ये इंप्लीमेंट करने पे आए हैं, अदरवाइज ये दवा को हराम देते हैं, ये टीके को हराम देते हैं, प्रिंटिंग प्रेस को हराम देते हैं, 120 करोड़ की मतलब यूरोपियन कंट्री, इंडिया, दुनिया में जितने नॉन मुस्लिम है सबको ये हराम देते हैं काफिर बोल के, सारी नॉलेज को ये हराम देते हैं जो वेस्टर्न ने या किसी और कंट्री ने खोला हुआ है। लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो भी रहा हो, देर आए दुरुस्त आए, और मैं इसको वेलकम करूंगा, ओपन हार्ट से वेलकम करूंगा, रेदर देन एनी कंट्री या एनी रिलीजन वगैरह को करके, और मैं चाहूंगा कि भगवान या खुदा और जल्दी इन लोगों को सद्बुद्धि दे, इसका एक ड्रॉबैक होगा, ये जब सॉफ्ट होंगे ना तो उनकी जगह लेने के लिए एक दूसरे खलीफा बैठे हुए हैं, टर्की उभर रहा है, अब ये सारी चीजें टर्की इस्लामाइजेशन की तरफ, कट्टरपंथ की तरफ, खुदकुश बम्बार पैदा करने के लिए एक जमीन और तैयार हो रही है, वो टर्की है, इस पे हम बाद में करेंगे या हामिद सर ज्यादा बेटर बताएंगे। मैं हामिद साहब, अंसार साहब आपसे पहले मैं एक बार हामिद साहब के साथ तरफ आना चाहूंगी। हामिद साहब आपने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, उसमें मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह से रजा साहब ने कहा कि इस्लाम में आतंक और ये सब चीजें मतलब नहीं परमिशेबल है, ऑफकोर्स किसी भी धर्म में ये परमिशेबल नहीं है, लेकिन उसकी क्या वजह है कि पूरा अरब वर्ल्ड आज भी सिविल वॉर में एक तरह से जूझ रहा है, तो उस उनके अरब वर्ल्ड में तो दूसरे धर्म के लोग वहां पे नहीं गए हुए हैं, वो सभी मुस्लिम हैं एक दूसरे से, और सिया और सुन्नी का भी अक्सर वो चलता रहता है, तो हमें सब इस पे एक रोशनी डालिए कि ये सब क्यों हो रहा है, ये मिक्स क्यों हो रहा है सब कुछ। देखें इसमें जो मिश्रा साहब ने काफी वजाहत की है और मौलाना साहब ने भी जो बात की जिसपे इख्तलाफ की बात आती है, पहली बात यह है कि सऊदी अरब में अगर वो रामायण या गीता पढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चों को कोई ऐसा नसाब देंगे कि जी ये किताबें आप पढ़ें और इनसे सीखें, बल्कि वो एक इंट्रोडक्टरी किस्म का एक वो देंगे कि ये भी मजाहब हैं और इनके ये खास खास बातें हैं, जैसा कि मैंने पहले दीनियात की बात की जी, जी। है ना, तो वो इनकी बात से मैं इतफाक करता हूँ कि ये उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो दुनिया के बदलते हुए हालात हैं उसके मुताबिक वो अपने आप को बदल रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल दुरुस्त है कि अचानक कोई विजडम नहीं उतर गई, डेफिनेटली ये विजडम इस्लामी दुनिया में हमेशा से मौजूद रही है और इस्लामी दुनिया में कई मकातब फिक्र हैं, यानी मकातब फिक्र मीन स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इस्लाम है ही जहाद, जैसा कि इनकी बात पे इख्तलाफ आपको नजर आया, कुछ दहशतगर्दी को ही असल इस्लाम मानते हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल एक माखी मारने तक को भी जो है वो इस्लाम के खिलाफ, तो ये चीजें तो हमेशा इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ लोगों के दरमियान जेरे बहस रही हैं, मसला ये नहीं है, और इस तरह की मुख्तलिफ शेड्स ऑफ ओपिनियन पूरी इस्लामी दुनिया में मौजूद है। असल सवाल ये है कि जब रियासतें जो हैं वो सरकारी सतह पे किसी एक नजरिए या ख्याल या आइडिया को प्रोमोट करती हैं, जैसे कि माजी में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को प्रोमोट किया गया
सऊदी अरब या पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की जो डिक्टेटरशिप है उसको मिला के अफगानिस्तान की आड़ में, तो तब ये एक प्रॉब्लम बनता है, चूंकि ये फिर इस्लाम को पोलिटिकलाइज करके एक नजरिए और टूल के तौर पे यूज करते हैं दूसरी अकवाम के खिलाफ या अपने अवाम के खिलाफ, तब ये जाके एक प्रॉब्लम बनता है। वरना दुनिया के हर मजहब में डाइवर्सिटी होती है, उसमें ओपिनियंस का डिफरेंस, खुद हिंदूइज्म में आप देख लें, बुद्धिज्म में देख लें, कई शेड्स ऑफ ओपिनियन है, लोग अपना अपना काम करते हैं, किसी को कोई उससे प्रॉब्लम नहीं कि ये ऐसे क्यों सोच रहा है और वो ऐसे क्यों सोच रहा है। प्रॉब्लम तब बनता है जब आप इसको एज ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स सोसाइटी में लेके आते हैं और बाजोरे कुव्वत जो है ताकत के जोर पे दूसरों पे उसको इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा ख्याल है कि जो इनके दरमियान बहस थी वो ये है। रहा सवाल ये कि इस्लाम जो है दहशतगर्दी में, मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता है, जो दहशतगर्द है वो जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता, ये इतनी परफेक्ट किस्म की स्टेटमेंट है कि इस पे अगर लोग ईमान ले आए तो फिर तो दुनिया में सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये है कि इसकी हमें ख्वाहिश है और हम भी इसके हक में हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली हकायक ऐसे हैं कि आप पाकिस्तान में देखें इस वक्त एक दर्जन से ज्यादा ऑफिशियली ऑर्गेनाइज किस्म की मूवमेंट्स हैं, तहरीकें हैं और पार्टियां हैं जो बाकायदा फंडामेंटलिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, जहाद के नाम पे दहशतगर्दी को प्रोमोट कर रही हैं। उनके खिलाफ आपको पता है एक इंटरनेशनल रिएक्शन भी हुआ, पाबंदियां लगाई गई, ये सारा कुछ हुआ, चूंकि इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया कि ये हो रहा है और इस्लाम के नाम पे हो रहा है, चूंकि इसमें आपकी इस्लाम की अपनी अपनी ताबीर और तशरी है। तो अगर सऊदी अरब जो है एज ए लीडिंग फोर्स इसलिए है कि वो खाना काबा और इस तरह की जो मुकदस जगह हैं उनके मालिक हैं, उसको वो लीड करते हैं, तो उनकी बात को ज्यादा गौर से सुना जाता है एक, और दूसरा वो इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू देयर ऑयल मनी जो कि अब कम होता जा रहा है। तो उस इन्फ्लुएंस की मौजूदगी में अगर उनकी जो ओपिनियन है वो मॉडरेट हो जाए, उसके अंदर अमन की और मोहब्बत की बात हो, उसके अंदर जो है ये दहशतगर्दी और खून खराबे की मजम्मत हो, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ अपनी जगह दुरुस्त है एकेडमिक के जो जैसे मिश्रा साहब के पॉइंट है वैलिड है, लेकिन हमें सपोर्ट करनी चाहिए इस तरह की किसी भी कोशिश की, ख्वाह उसकी कोई भी रीजन है, लेकिन अगर दुनिया में अमन की तरफ कोई पेशकदमी हो रही है और हम लोग ये जंग और खून खराबा और इस तरह की कत्लोगारी गलतगरी से निकल के तो इंसानों की तरह इस दुनिया में रह सकते हैं, अपने अपने मजाहब हैं, कोई भी अब जैसे मौलाना साहब ने कहा कि गीता पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इस्लाम क्या है, तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ड्रास्टिक स्टेटमेंट है, क्योंकि हर मजहब के अंदर अपनी एक सेल्फ सफिशिएंट किस्म की जो है वो तालीमात मौजूद हैं। तो जिसने इस्लाम पढ़ना है, बाज लोग हैं जो इस्लाम के अलावा कुछ नहीं पढ़ते तो वो तो समझते हैं कि बाकी दुनिया में कोई मजहब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए जब आप सब मजहब पढ़ेंगे, उनका कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, उनका आपस में देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे टॉलरेंस जो है वो पैदा होगी। और इसके लिए ये जो है मोहम्मद बिन सलमान को अगर उन्होंने नहीं भी किया तो इनकरेज करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मैं मेरी ये राय है। बिल्कुल आपने सही कहा हामिद साहब, और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि टॉलरेंस वाला मान सम्मान एक दूसरे के धर्म के प्रति जो बढ़ेगा ना, जब हम एक दूसरे का धर्म पढ़ेंगे। अभी ये जो लड़ाई झगड़े फसाद हो रहे हैं ये इसीलिए हो रहे हैं कि एक दूसरे के धर्म को पढ़ा नहीं होता है, लेकिन जिसने किसी एक ने बोला किसी दूसरे ने बोला वो उसके साथ लग देते हैं। मौलाना साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ और ये मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा इन दोनों के उसमें, उसके बाद कुछ व्यूअर्स के एक्चुअली नॉनस्टॉप सवाल आ रहे हैं, मैं वो जरूर लेना चाहूंगी। तो मौलाना साहब आप हामिद साहब की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और मिश्रा जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? डॉक्टर साहिबा मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। जी मिश्रा जी ने जो कहा है कि कुरान में एक नुक्ते का भी गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है कि कुरान हमारा मुकम्मल हो चुका है, उसमें कहीं भी एक लफ्ज की भी गुंजाइश नहीं है। और अभी जो नेपाल से चल के चाइना से चलकर के एक प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ खड़ा किया गया इसमें से 26 आयतें निकाल दी जाएं, और इस तरह से ये प्रोपेगेंडे क्यों किए जाते हैं जानते हैं आप? ये वो लोग हैं ये अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है, ठीक है ना। जैसे अभी पाकिस्तान का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, बैरिस्टर साहब ने, देखिए पाकिस्तान का मसला जानते हैं क्या है, उसकी मजबूरी क्या है, भले हमारा खसम मर जाए स्वतंत्र विधवा होनी चाहिए,
ये पाकिस्तान की मेंटलिटी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस्लाम वो दीन है जिसमें जर्रा बराबर भी तब्दील की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर इस्लाम को समझा जाए तो। अब अगर लोग अल बगदादी से इस्लाम समझने लगे तो किसी के समझ में नहीं आएगा, पाकिस्तान से अगर इस्लाम समझने लगे तो किसी के समझ में नहीं आएगा। इस्लाम को अगर समझना है तो कुरान से समझना पड़ेगा, जब कुरान समझ में नहीं आए फिर हदीस समझना पड़ेगा, जब हदीस समझ में नहीं आए तो हमें अपने सहाबाए किराम के, अपने बुजुर्गों के अकवाल को समझना पड़ेगा, तब आपकी समझ में कोई चीज आएगी। अब जहां तक सवाल शाह सलमान साहब का है, देखिए सलमान साहब बहुत दानिश्वर आदमी है और दौरे जदीद में बहुत कुछ उन्होंने देखा है। इस दौर में मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई सिस्टम आपके यहाँ नहीं भी हुआ है तो मैं हामिद साहब की बात को बड़ा करके हुए कहता हूं कि आप शुरू कीजिए उसको। मैंने इस्लाम को समझने की इसलिए कहा है कि देखिए कभी कभी क्या होता है, जब तकाबुल अधियान होता है, जब दो चीजें सामने होती हैं तो एक दूसरे की जो है मोहब्बत समझ में आती है। हम लोग आज तक, आप हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देख लीजिए, जब से मुल्क आजाद हुआ है आज तक किसी भी मुसलमान ने कभी रामायण के बारे में, गीता के बारे में और पुराण के बारे में कभी एक लफ्ज की भी गुंजाइश नहीं रखी है कि किसी को भी बुरा कहा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में कभी कोई एक लफ्ज कहा हो। लेकिन इस्लाम को टारगेट इसलिए किया जाता है कि लोगों को मशहूर होने का बड़ा शौक है कि एक ऐसा टारगेट बनाइए आप फौरन मशहूर हो जाएंगे। जैसे एक बेहुदा उठा लखनऊ से आया, उसने कह दिया साहब 26 आयतें चेंज कर दी जाए। अरे पागल, जिस 26 आयतों को तू बदलना चाह रहा है, तू आज तूने पढ़ा है क्या 26 आयतें? तेरे 12 इमाम गुजरे हैं वो भी तो यही कुरान पढ़ते चले आ रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आया था वो जो तेरी समझ में आ गया। ये सारी चीजें हैं। अब जहां तक सवाल, मिश्रा जी ने एक बात कही है, मिश्रा जी बड़े दानिशवर आदमी हैं और बहुत खूबसूरती से उन्होंने बात को घुमा करके कह दिया। देखिए मैं एक बात बता दू, मैं मिश्रा जी की बात को ही बड़ा करता हूँ, मिश्रा जी बहुत दानिशवर आदमी है, वो समझ में आ गया मेरे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि कुरान हमारे लिए एक मुकम्मल बाइलाज है, एक मुकम्मल बाइलाज है, उसमें हर चीज के बारे में, एक एक चीज के बारे में बताया गया, क्या हराम है क्या हलाल है। अब कोई अगर आदमी ये कह दे कि साहब ये चीज हराम हो गई, ये चीज हलाल हो गई, मैं एक बात कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर की समझ में आएगा, अगर इस्लाम को समझना है तो कुरान समझ लो, आगे की गुंजाइश ही नहीं है कहीं नहीं। अगर आपकी कुरान समझ में आ रहा है तो आप हदीस समझ लो, आपके सब कुछ वाजे हो जाएगा। और आपके व्यूवर जो कहना चाहते हैं, जो मुझे नहीं पता क्या सवाल करेंगे, वो मेरी चूंकि पहली मरतबा आपके साथ बैठा हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे नाज है कि मैं भारत का रहने वाला हूं, और डंके की चोट पर कहता हूं इसलिए कि हमारे पैगंबर ने एक बात कही है, भारत वो मुल्क है जहां से ठंडी हवाएं आ रही हैं। और एक बात आपको बता दूं, हवा तो आजकल गर्म है मौलाना साहब जी, हवा तो आजकल गर्म हो रखी है। नहीं, आजकल गर्म तो साहब इतनी हो रखी है कि डेली 3,000 लाशें उठ रही हैं, इतनी गर्म हो रखी है, वो तो दुनिया भर में हो रखी है, मैंने तो दूसरी गर्म हवा की बात की है, कोरोना की वजह से तो पूरी दुनिया में दिक्कत है। देखिए आपने डॉक्टर साहिबा, बहुत बड़ी बात आपने कही है, टारगेट हमारे मुल्क को किया जा रहा है, क्या दुनिया में कोरोना नहीं फैला है क्या? खाली भारत में ही कोरोना फैला हुआ है? सारे लोग टूट पड़े हैं भारत के ऊपर, खाली यही कोरोना फैला हुआ है क्या? अरे पूरी दुनिया में है, हम सस्ते मिल गए हैं, हमारे यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना, कोई भी कुछ भी कह करके चला जाता है। अच्छा, कुछ हमारे यहाँ के बड़बोलेपन के लोग हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा कुछ हमें दिक्कतें उठाना पड़ती हैं, वरना ठीक है। देखिए मौत बरहक है और सबको आनी है, किसको किस उम्र में आनी है सबका लिखा हुआ है, इसमें कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं हामिद साहब से भी कहना चाहता हूं और मिश्रा जी से भी कहना चाहता हूं, हम मिलकर के डॉक्टर मनु साहिबा की सरपरस्ती में हम एक ऐसा मिशन उठाएं पूरे मुल्क में कि एक अमन भाईचारे का मैसेज जाए पूरे मुल्क में। और मुझे लग रहा जब आदमी करने पे उठता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम मंजिल तक ना पहुंचे। मौलाना साहब आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन यहाँ पे आपने दो पॉइंट उठाए अभी। आपने कहा कि भारत में कभी भी राम के ऊपर सवाल नहीं उठाए गए हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद और जब राम को अपनी सारी पीढ़ियां सुप्रीम कोर्ट में अगर प्रूफ करनी पड़ी, ये वही भारत देश है। दूसरा, एक मुस्लिम लड़की आपको जरूर याद होगा, उसने गीता का पाठ किया था, उसके नाम फतवा जारी हुआ था और वो भारत के मौलवियों ने ही जारी किया था, वो कोई बाहर से नहीं आए थे। तो आप ये मत कहिए कि भारत में इस चीज पे, मैं आपको मौका देता हूँ। तीसरा सवाल, आपने जो कहा, आपने कहा हमें अमन का पैगाम बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपने साथ ही कहा कि इन चीजों को पढ़ेंगे तो इस्लाम समझ में आएगा, कहीं ना कहीं सुपरमेसी की बात तो आप कर रहे हैं मौलाना साहब जी। देखिए आपने जिस बच्ची की गीता पढ़ने की बात की है, आप नेट उठाइए,
नेट पे सर्च कीजिए, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, वो लड़की मेरे साथ डिबेट में थी, मेरठ की लड़की है, जी मेरे साथ डिबेट में थी, जब उसने गीता पढ़ी मैंने 42,000 रुपए की घड़ी उसको इनाम में दी थी, मैंने जी उसको, आप देखिए मैं नेट पे पढ़ा मैंने हुआ है, देखा है मुझे वो, अच्छा लगा। आपका देखा मौलाना साहब, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने फतवा जारी किया, वो भी तो भारत से ही देखिए थे। अब यहाँ हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क बड़ा वसी है, 135 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ, मैं क्या बोलूं, मैं मुझे नहीं पता मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हमारे ही मुल्क में बहुत बड़े बड़े साधु संत भी हैं और हमारे मुल्क में योगी आदित्यनाथ भी हैं, तो अब क्या कीजिएगा उसके लिए, है ना, अपने अपने तरीके से बात रखने वाले लोग हैं। आप योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई और भी तो एग्जाम्पल दे सकते हैं मौलाना साहब, कोई मौलाना का ही एग्जाम्पल दे दीजिए। नहीं आपको दूसरे मौलाना मौलाना का कोई याद भी, नहीं आए, उन्हीं मौलाना का नाम ले दीजिए नहीं जिन्होंने फतवा जारी किया था। नहीं देखिए जो फतवा जारी कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि हमें कहाँ फतवा देना, असल में कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया है, वो ये और नहीं, समझते एक हैं चीज कि मैं और मैं इसमें दूसरे ऐड हाथ करना में, चाहूंगी मौलाना साहब, इस्लाम जब शांति का पाठ पढ़ाता है तो उसी में फिर फतवा की गुंजाइश कैसे छोड़ दी? फतवा देखिए तो किसी का हर सर चीज, काटने को दे दिया जाता है। हर चीज पे फतवा नहीं होता है, फतवा दिया जाता, फतवा एक राय होती है और फतवा सिर्फ दिया जाता है इस्लामी तरीके पर, नमाज में क्या पढ़ना है, रोजे में क्या करना है, जकात में क्या करना है, हज में क्या फिर करना ये है, सर कत्ल काटने वाली मारने, बात किसी की कहां से गर्दन आती है? काटने के हामिद लिए साहब, फतवा नहीं आप दिया इस जाता। बात से सहमत हैं कि फतवे तो नमाज में कैसे करनी चाहिए या इस्लामी इसको कुरान को कैसे फॉलो करना चाहिए, उसके बजाय हम तो अक्सर देखते हैं बिल्कुल फतवे की किसी का सिर किसी की काट गर्दन दो, मारने के कितने लिए लाख फतवा मिल नहीं दिया जाएंगे जाता, मिल जाएंगे, आप इससे किसी कितना की इतवा गर्दन करते मारने के हैं? लिए फतवा नहीं दिया जाता, लेकिन फतवे तो आते हैं मौलाना साहब। इससे बिल्कुल अब देखिए इतवा मैंने आपको मिसाल नहीं दे दी है ना कि सारे हर किस्म के लोग हैं हमारे यहाँ ना। नहीं ये बात है, मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया था, जाहिर है कि हर किस्म के लोग हैं और ऐसे लोगों की मजम्मत खुल के दूसरे मौलाना हजरात को करनी बिल्कुल चाहिए जो बिल्कुल इस्लाम के नाम पे फतवाबाजी, फतवा फरोशी और इस तरह के काम करते हैं, जाहिर है उनको रोक भी तो यही लोग सकते हैं ना, इन्हीं को चाहिए कि वो उनको रोकें। बेसिकली जो है बुनियादी, ये हम सब इस पे मुतफिक हैं कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है कि आप किसी की गर्दन मार दें और उसके खिलाफ फतवा जारी कर दें किसी की जान लेने की, तो ये इस बात पे तो हमें इत्फाक है। हामिद साहब, आपके लिए एक सवाल है बांग्लादेश से। सरकार तनवीर अहमद है वो लिखते हैं, द ऑफिशियल नेम ऑफ सऊदी अरेबिया डिड नॉट से दैट दे आर इस्लामिक रिपब्लिक, वेयर एज पाकिस्तान सेज दे आर इस्लामिक रिपब्लिक, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द इस्लामिक स्टेट इन प्रमोटिंग रिलीजन बेस्ड एजुकेशन और कल्चरल एजुकेशन? देखें पाकिस्तान में नाम रखने का जो है ना वो बहुत शौक है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें के हर नाम जो के पॉसिबल होता है ना किसी पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी उसका नाम रखा गया, इस्लामिक रिपब्लिक भी, खुद फाउंडर जो है वो तो उसको जो है वो एक जी सेकुलर स्टेट जो है वो कहते थे, तो नाम रखने से कुछ नहीं होता, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में फंडामेंटलिज्म इस वक्त जो मेरी असेसमेंट है खोसन रियासती सतह पे और हुकूमती सतह पे, वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज्यादा जो है वो गहरा है, ये जिस तरीके से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको आए दिन नजर आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कभी वो इस्लामोफोबिया की आवाज उठा रहे हैं, कभी जो है वो फ्रांस पे तनकीद हो रही है, कभी वेस्टर्न वर्ल्ड पे जो है वो हो रहा है, तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं उनका जो पॉपुलिज्म है कि ये करके, तो उनके चूंकि वोट बैंक में और जो वहां पे एक बढ़ती हुई इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है उसकी हमायत में इजाफा हो रहा है, इसलिए वो इसको बात कर रहे हैं, इसलिए नाम रखने से कुछ नहीं होता, बात ये जो एजेंडे की है, तो एजेंडा जो है वो इंटरेस्टिंगली इस वक्त जो पाकिस्तान के हुक्मरान कह रहे हैं रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, और रियासत मदीना के लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि इस्लामिक मॉडर्न स्टेट की जो के बाकी दुनिया की जो जमहूरी रियासतें हैं उनके साथ मिलके चलने की बात कर रही है, ख्वाब वो हिंदुस्तान हो या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो या इसराइल हो। आपने अभी देख लिया कि ये जो बड़ी बड़ी इस्लामी रियासतें हैं इंक्लूडिंग ये जो सऊदी और यूएई वगैरह की, इनके अंदर भी इसराइल के साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप की बात हो रही है, और पाकिस्तान में उसके खिलाफ फतवेबाजी जैसा कि अभी हमने कहा और सख्त किस्म का एक रद्द अमल है, इस वक्त इस्लाम का ठेका जो है वो पाकिस्तान ने लिया हुआ है, और ऐसे लगता है कि इस्लाम मक्के मदीने में नहीं बल्कि रावलपिंडी में उतरा था, क्योंकि जितनी शिद्दत पसंदी वहां पे है इतनी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। आप ये देखें ये अच्छा है, इस्लामोफोबिया और ये फ्रांस के खिलाफ
कहीं भी बात नहीं हो रहा है सिवाय पाकिस्तान के, कोई नोटिस तक नहीं ले रहा है किसी भी मुल्क में, आप उठा के देख लें। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये बड़ी मायूसकुन सूरत हाल है। तो हामिद एक साहब, बात जब डॉक्टर मोहन इस्लाम साहिबा, का ठेकेदार डॉक्टर मोहन पाकिस्तान बन साहिबा रहा है, मौलान साहब एक सेकंड, तो चाइना एक के सेकंड, मुसलमान बीस पाकिस्तान को सेकंड नहीं मेरी बात दिखाई सुन देते। लीजिए। और मैं एक, जी जी मौलान साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर पाकिस्तान रियासत मदीना की बात करेगा तो इससे ज्यादा मजाक वाली बात और कुछ नहीं होगी। काश पाकिस्तान में हमारे व्यूवर्स ये बात जरूर सुन लें, क्योंकि एक तरफ तो कोई खलीफा बनने की तैयारी में है, अब पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें, कभी वो अमेरिका की गोद में जाता है, चाइना की में जाता है, टर्की में जाता है, आजकल रशिया के साथ भी उन्होंने हैंडशेक कर लिया है, लेकिन उन्हें और चाइना सर के मसला मुस्लिम कभी ये है भी कि मुस्लिम नजर नहीं आते हैं, ये बात समझ नहीं आती। जो मुल्क जकात फितरे पे पल रहा हो वो दूसरे के बारे में क्या सोचेगा, मैं इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। जकात तो अच्छी बात है ना मौलाना साहब, जकात देना और लेकिन लेना ये तो पाकिस्तान बहुत को अच्छी नहीं दी बात जा है। सकती ना, पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती, पाकिस्तान को नहीं, नहीं दी मेरे जा हिसाब सकती, से तो दे उसका देनी चाहिए, वो नाजायज भी फायदा अपना उठा रहे ब्रदर हो। मुल्क है। जी, मेरा अगला सवाल अंसार साहब आपसे है, चंदन सिंह सेगर जी लिखते हैं, क्यों अंसार रजा जी, सिनेमा ने देखे जनता, लेकिन इस्लामी देशों के सभी शासक शराब नोशी करते हैं। देखिए, शराब पीना भी हराम है और सिनेमा देखना भी हराम है। अब अगर कोई जी आदमी कर रहा है तो उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। जी मौलाना साहब, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मैंने काफी सारे YouTube पे वीडियोस देखे हैं जिसमें मौलाना साहब क्या कहते हैं कि जन्नत के सपने दिखाते हैं, जिसमें कहते हैं वो 72 हूरें होंगी, उसके साथ वो ऐड ऑन करते हैं दुनिया की सबसे शानदार शराब वहां पे परोसी जाएगी, शराब कैसे फिर क्या बोले। बात है, क्या डॉक्टर मनु साहिबा जिंदाबाद, मालिक आपको सलामत रखे, क्या क्वेश्चन उठाया है आपने। देखिए दो क्वेश्चन है, एक मिश्रा जी का क्वेश्चन गजवाए हिंद के बारे में और दूसरा जन्नत में 72 हूरे। ना तो जन्नत में 72 हूरे नहीं, मिलने मैंने वाले शराब हैं, की भी बात की है, शराब की भी बात नहीं की है नहीं मौलाना साहब। देखिए शराब शराब कहीं कोई शराब नहीं मिलने वाली है, ये सब कहने की चीजें हैं। मैंने बताया जैसा हामिद साहब ने कहा है ना कि कुछ लोगों ने इस्लाम को अपने तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ है। और जहां तक जी गजवाए हिंद का सवाल मिश्रा जी ने किया था, मिश्रा जी अंसार रजा डंके की चोट पर डॉक्टर मनु साहिबा के शो में इस बात को कहता है कि गजवाए हिंद जैसा कोई भी नाम हमारे इस्लामी स्टडीज में, इस्लामी किताबों में नहीं मिलता, कहीं गजवाए हिंद का कोई तذکرہ नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं मुझे बिल्कुल बोलने आपकी बात दीजिए, से जी मिश्रा जी, जल्दी फिर मैं अगला सवाल लूंगी। मैं जी हाँ, हामिद सर सबसे बुजुर्ग है तो उन्हीं को मैं जज मानता हूं। देखिए, कोई एक धर्म उसका जो ओवरऑल व्यू बनता है, परसेप्शन बनता है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होती है बुक होती है जिसमें उनके प्रिंसिपल और फिलोसफीज और डायरेक्शंस लिखे होते हैं। दूसरा पार्ट होता है, मतलब धर्म एक सिस्टम की तरह अगर आप देखिए, दूसरा पार्ट होता है उसको मानने वाले, उसको प्रैक्टिस करने वाले और इंप्लीमेंट करने वाले। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं और मैंने पढ़ा भी नहीं है इस्लाम और कुरान, कुरान वगैरह मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूं। हम अपनी जिंदगी में इतने हमारे पास प्रॉब्लम है डेवलप करने के लिए, हम उसमें उलझेंगे, हम कोई खाली नहीं बैठे हैं कि हम कहीं और इल्म लेंगे, हमारे पास बहुत है पढ़ने के लिए। अब या तो जो चीजें लिखी हैं वो गलत है, या जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो गलत है। मैं मौलाना साहब को ये बोलूंगा, साहब आपका बच्चा क्या करता है वो तरबियत आप देंगे, गलत है उसको आप बताएंगे कि गलत है, पहला चाटा आप मारेंगे। भाई मेरे पास अगर वो कुछ करने आएगा तो मैं तो रिटेलिएट करूंगा कहीं पे, जैसे फ्रांस ने रिटेलिएट किया। सबसे बड़ी ग्लोबल लेवल पे इस्लामिक वर्ल्ड और मुसलमानों का कॉन्ट्राडिक्शन है, वो कॉन्ट्राडिक्शन ये है, सब लोग ये बोलते हैं कि किताब में तो इतनी खूबसूरत चीजें लिखी हैं, वही जब माइक मिल जाता है और बैठ के मुस्लिम जनता को बोलने लगते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में 500 कॉन्ट्राडिक्शन बताऊंगा। शराब पीना हराम है, लेकिन जन्नत में जो आला तरीन मुसलमान होगा उसको खुदा अपने हाथों से शराब पिलाएगा। गजवाए हिंद की नहीं नहीं कहीं सर, बात गलत नहीं है। गलत सुनिए गलत सर, गलत प्लीज गलत प्लीज, गलत नहीं, सुनिए, मैं मानता हूं गलत है, लेकिन जो मौलाना लोग बोलते हैं, हम इस्लाम को ऐसे ही समझेंगे सर, हम मक्का मदीना और मदरसे में जाके पढ़ के हम तर्जुमा नहीं करेंगे इस्लाम का, जो आप बोलोगे, जो दुनिया बोलेगी और एक्ट करेंगे, हम उसी हिसाब से आपका परसेप्शन बनाएंगे और दुनिया उसी हिसाब से बनाएगी। अब एक फर्क समझ लीजिए, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है ना इतना खूबसूरत है, अपनी बिरादरी में बोलने के लिए कुछ और है, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ और है, किताबों में हवाला कुछ और देंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल जब करना हो और जहां डिफरेंट कल्चर और सोसाइटी से जब इनको इंटरेक्ट करना हो और माहौल देख करके, वहां सिचुएशन एकदम बदल जाती है। ये जो तीन चार रूप है ना, ये रूप के कारण सारा मुस्लिम जगत अपने आप में उलझा पड़ा है। मैं मान लेता हूं सारे मुसलमान अच्छे हैं, कुरान हदीस अच्छा है, लेकिन सत्य एक ही होता है,
फिल्टर आप लोगों को करना है, मस्जिदों को करना है, मौलानाओं को करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो जो लोग बोलते हैं ना कि दुनिया जानबूझ के इस्लामोफोबिया का जो है ये कर रही है, खड़ा कर रही है, ऐसे ही नहीं है सर। कोई आईआईटी इंजीनियरिंग पढ़ के उसी देश में हवाई जहाज लेके और अल्लाह हू अकबर मतलब अल्लाह इज ग्रेट का नारा लगाते हुए टावर पे लड़ा देगा, कोई कहीं खुदकुश बम्बार वो कर लेगा। अफगानिस्तान में इस्लाम के नाम पे वहां के राजा को, पहले बड़ा मॉडर्न था तालिबान के पहले, बीच चौराहे पे फांसी दे दी गई। अरे आपको मारना था तो एक सम्मानजनक आप उसको मौत देते, जिला बदर कर देते, देश निकाला दे देते, जैसे टर्की के लिए हुआ था, यूरोपियन इन लोगों ने किया था, भाई आप चले जाइए। लेकिन यहाँ पे ये लोग पता नहीं, वहां पे भी ये आयतें पढ़ते हैं या इस्लाम का हवाला देते हैं, कुरान का, हदीस का, कि कोई अगर दुश्मन मिले, ऐसे मिले तो उसको ये करो, चौराहे पे फांसी देना, कौन सा इस्लाम बोलता होगा आप मुझे बताइए। कोई राजा को आपने राज्य जीत लिया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आप लोग देखिए, मन क्रम और वचन, टेक्स्ट में क्या लिखा है, कुरान हदीस में क्या लिखा है, उसके बाद आप बोलते क्या है, प्राइवेट अपने मस्जिद में क्या बोलते हैं और पब्लिक में क्या बोलते हैं या किसी डिफरेंट मंच पे प्लेटफॉर्म पे आप क्या बोलते हैं और प्रैक्टिस क्या करते हैं। प्रैक्टिस में भी डिफरेंस है, अपने ख्वाबगाह में क्या प्रैक्टिस करते हैं, ख्वाबगाह के बाहर क्या प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद दूसरे कौम, दूसरी सभ्यताएं मिलती हैं तो क्या प्रैक्टिस करते हैं। हर जगह आपके पैरामीटर क्यों बदलते हैं साहब, और दुनिया को नसीहत मत दीजिए कि इस्लाम समझिए, पहले मुस्लिम लोग इस्लाम को समझ ले फिर दुनिया जाएगी। दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है सर, हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम अपने तब्दीली अपने आप अंदर लाने के लिए, हमारे पास पचासों चैलेंज है पढ़ने पढ़ाने के लिए, नई चीजें खोजने के लिए हम बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है दुनिया में। दुनिया में एक ही टाइम है जो फ्रांस कर रहा है, इसी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास। जी जी मिश्रा जी, वक्त कम है, अब मैं सिर्फ सवालात लूंगी व्यूवर्स के, एक्चुअली जल्दी से जल्दी। हमिद साहब आपके लिए एक सवाल है चंदन सिंह सेगर जी का, उन्होंने बैक टू बैक दो तीन सवाल किए, मैं इकट्ठे रीड आउट कर देती हूँ अगर आपको दिक्कत ना हो तो। कि वो कहते हैं, हामिद बसानी साहब, ये इस्लामी गोल्डन एज का सिद्धांत सही है या अरबी गोल्डन एज, तुर्की गोल्डन एज या मुस्लिम मंगोल एज क्यों ना माना जाए। उसके साथ ही उनका दूसरा सवाल है, अरबी लोग, मध्य पूर्व के लोग इस्लाम से पहले के अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, जिसके कारण अरब के शासक अन्य धर्म, संस्कृति और अरब के प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, धर्म का अध्ययन करने की पहल कर रहे हैं। और तीसरा भी उन्होंने इसी में ऐड किया है, अरब के देशों में गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता न देने के पीछे का तर्क, तथ्य कहां से लिया गया है। जी हमिद साहब, देखें इसमें से बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो बहुत ज्यादा हिंदी के लफ्ज़ हैं जो मेरी समझ में नहीं आए हैं जी, लेकिन ये जो आखिरी सवाल है उनका कि इनको जो है वो गैर मुल्की जो सिटीजन्स हैं उनको क्या करने का नहीं किया, ये नहीं, नहीं इन्होंने कहा है कि उनको नागरिकता जो सिटीजनशिप नहीं दी जाती है उसके पीछे क्या रीजन है। हाँ तो इसके इसका तो असल जवाब तो मौलाना साहब ही दे सकते हैं कि उसके पीछे क्या रीजन है, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये इस तरह के जितने भी कानून हैं, डिस्क्रिमिनेटोरी किस्म के कानून, जो कि किसी मजहब की बुनियाद पे आप दूसरे मजाहब के लोगों पे लगाएं या ऐसे लोगों पे जिनका कोई मजहब नहीं है, तो बुनियादी तौर पर ये इम्तियाजी कानून है जिनका खात्मा होना चाहिए, और इसका किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो किसी भी मजहब के नाम पर इस तरह की कोई रुकावटें कर रहे हैं। तो ये जो इस्लाहात ला रहे हैं इसमें ये भी शामिल है कि अब जो है वो सऊदी अरब के अंदर जो वो टूरिज्म को ओपन कर रहे हैं, लोगों को एक कता है नजर इसके कि उनका लाइफ स्टाइल क्या है या वो लिबास क्या पहनते हैं, वो इसके बावजूद जो है वो सऊदी अरब के अंदर जो है वो जा सकते हैं। लेकिन ये देखें बात ये है कि असल जो जिस बात से हमारी बहस शुरू हुई थी वो है ही इसी चीज पे कि इस्लामी दुनिया के अंदर जो बुनियादी तौर पे बैकवर्डनेस का लफ्ज है, इफ यू एक्सक्यूज मी, जो यूज होता है एग्जैक्टली कि जो हम माशी और समाजी एतबार से बहुत पीछे रह गए हैं, अगर इसको सादा जबान में आप लाएं, सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस हमारा पीछे इसलिए है कि इसमें हमारे कानून जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शनरी थिंकिंग है, उसमें हम जानबूझ के तरक्की के रास्ते में रुकावट डालते हैं, ख्वा उसमें हम गैर मुल्की सिटीजन्स को इस काबिल ना समझें कि वो हमारे शहरों में घूम सकें, या फिर हम इस तरह के कानून बनाएंगे जिसकी बुनियाद पे हम अपने आप को सुपीरियर और बाकी लोगों को इन्फीरियर समझें, और हम हमें ये गलतफहमी हो कि जो मुसलमान है वो सबसे ज्यादा मुकद्दस और सबसे ज्यादा जो है वो आला नस्ल का है और बाकी लोग जो हैं वो ऐसे ही हैं। तो ये चीजें जो है ना, इस तरह की चीजों का जवाब यही है
जो प्रोपोज किया है मोहम्मद बिन सलमान ने कि आप अपनी दरसगाहों में लोगों को दीगर मजाहब के बारे में भी बताएं, ताकि बच्चों के अंदर ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि ह्यूमैनिटी के अंदर डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस हैं, डिफरेंट मजाहब हैं, डिफरेंट किस्म की जो है वो थिंकिंग है, और उस सब को इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा जो है वो इनिशिएटिव है, और मैं तो इसकी अनकंडीशनल सपोर्ट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इसका यानी ये बात करना करना ही, अगर इसका कोई रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता, लेकिन सऊदी अरब की जो हाईली कंजर्वेटिव जो वहाँ पे रजीम है और रहा है हिस्टोरिकली, उसके अंदर से कोई आदमी अगर इस तरह की मॉडरेट किस्म की बात कर रहा है इटसेल्फ, तो मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। चूंकि इस्लामी दुनिया में रेवोल्यूशन इसी तरीके से आएगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एकदम उठ के, तो वहां पे कोई जमहूरी मुल्क नहीं है कि आप एकदम इस तरह की कोई इस्लाहात जो है वो ला सके या अंसार हो। तो मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ। साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं व्यूअर का सवाल लूं उससे पहले, कि इस्लाम में, कुरान में ये है कि जो बुत की पूजा करते हैं, बुत की पूजा यानी कि जो हिंदू समुदाय है उसको वो पसंद नहीं करते हैं, क्या ये सही है? देखिए, इस्लाम में सिर्फ एक चीज है डॉक्टर साहिबा, कि इबादत सिर्फ एक खुदा की होगी, इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। तो वो बुत परस्ती किन को बोलते हैं? देखिए, बुत परस्ती है, बुत परस्ती क्या, उस जमाने में क्या होता था सऊदी अरब में, जब इस्लाम परवान चढ़ा तो लोग क्या जी करते थे कि सत्तू के बुत बनाते थे। सत्तू जो खाने वाली चीज होती है जी उसके बुत बनाते थे, और जब वो सफर पे निकलते थे तो वो अपने साथ बुतों को ले जाते थे, उनकी पूजा भी करते जाते थे, जब भूख लगती थी तो उनको घोल के पी लेते थे। जब इसलिए मना किया गया है कि या एक चीज करो ना, आप एक खुदा को मानो। दूसरा, कहीं भी इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि दूसरे धर्म के लोग अपने भगवान को ना माने, दूसरे धर्म के लोग अपने मजहब को ना माने, कहीं इस्लाम में ये नहीं कहा गया है। सिर्फ मुसलमान ईमान वालों के लिए कहा गया है कि तुम एक खुदा की इबादत करो, दुनिया के लिए नहीं कहा गया है। ये दुनिया अपने जिस रविश पे चले वो चले, लेकिन मोमिन के लिए है कि उसे एक खुदा को मानना होगा, दूसरे नहीं खुदा नहीं की इबादत सवाल करनी। ये है अंसार यही रजा बात साहब, नहीं सवाल समझते ये है मौलाना, कि ये मोमिन है, दूसरों की लाइफ स्टाइल में जबरदस्ती इंटरफियर करने लगते हैं कि तुम बुत परस्त हो तो नहीं तुम्हारी नहीं गर्दन नहीं कलम करेंगे, ये जो नहीं नहीं इंटरफियरेंस जबरदस्ती है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मिश्रा जी रुकिए, मिश्रा अंसार जी, साहब नहीं, आपके लिए एक सवाल है, चंदन सिंह जी पूछते हैं वसीम रिजवी साहब के बारे में, आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, क्या रिजवी जी ने कह दिया तो उनका सिर कलम का फतवा जारी होना जायज है? जी गलत, बिल्कुल सर कलम होने का फतवा जारी होना एकदम गलत है। जो हिंदुस्तानी कानून हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा संविधान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बहुत बड़ा संविधान दिया है। अगर कोई चूज होगी तो हम उसके हिसाब से सजा मुकर्रर करेंगे, और हम नहीं करेंगे, हमारी माननीय अदालतें करेंगी, हम नहीं करेंगे। उन्होंने गलत किया था, लेकिन सजा का मतलब ये नहीं कि आप उनके गर्दन की कीमत रख दी जाए, ये इस्लाम इजाजत नहीं देता। हमिद साहब आपके लिए शशि भूषण त्यागी जी का ये एक सवाल है, द मैग्निट्यूड ऑफ गजवाए हिंद इज नॉट नॉट येट फुली फैदम्स बाय वर्ल्ड, इट लीड्स टू द इनहेलिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, द आईएस इज नॉट फिनिश्ड येट, इट इज डाउन एंड आउट बट नॉट डेड, वेटिंग फॉर विड्रॉल ऑफ यूएसए ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान इज ग्लेफुल एंटिसिपेशन इज मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट टू वर्ल्ड एट लार्ज एंड टू यूएसए स्पेशल दैट इट विल इंश्योर द पीस एंड ट्रांक्विलिटी इन अफगानिस्तान, फार फ्रॉम इट विल लेट द डोमिनिक फोर्स ऑफ अल्ट्रा जिहादी लूजेस टू रेप एंड प्लंडर फर्स्ट देयर एंड देन इट। हाँ जी हामिद जी, साहब, देखें ये तो इनका तबसरा है, सवाल तो नहीं है, लेकिन सिचुएशन ये है कि सही है। अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन डेवलप हो रही है अनप्रिडिक्टेबल है, और डेफिनेटली लोग इसको देखते हैं हिस्टोरिकल जो रोल रहा है पाकिस्तान का टूवर्ड अफगानिस्तान, और जिस तरीके की जो है वो पहले रोल उन्होंने प्ले किया है वो इसी तरफ इशारा करता है। तो इसलिए लोग बार बार अपने खदशात का इजहार जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि एक बात बड़ी की थी मिश्रा साहब ने कि देखें, दुनिया जब बदलती है तो उसका कोई भी मुल्क अपने आप को फॉर एवर उससे बाहर नहीं रख सकता। अब ये है कि हमारे इर्द गिर्द चीजें जिस तेजी से बदल रही हैं, उसमें पाकिस्तान में अगर उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको उसी तरह कंटिन्यू रखा,
तो मैं समझता हूं कि वो सरवाइव करना उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा, इसलिए वो किसी ना किसी तरीके से अब बदलते हुए हालात के साथ अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। अब जो सिचुएशन है उसमें उनकी पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ भी बदल रही है, उसमें वो फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, अब वो इस हद तक भी आ गए हैं कि हम इंडिया को जो है वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में एक्सेस देने के लिए तैयार हैं, पहले इस पे बात करने की के लिए भी तैयार नहीं हो बिल्कुल रहे थे। तो ये सारे जो नए ट्रेंड्स हैं, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये उनकी मजबूरी बनती जा रही है सर्वाइवल की, चूंकि जाहिर है पाकिस्तान जस्ट एक चीन के परों के नीचे बैठ के ही जिंदा नहीं रह सकता, उस पूरे बिल्कुल खित्ते की पॉलिटिक्स है, उसकी अपनी रियलिटीज हैं, और उसमें जब तक वो अपने सारे पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात जो है वो मामूल पे नहीं लाएगा, और उसकी बुनियादी शर्त जो है एक्सेप्टेबल शर्त बन गई है पूरे खित्ते में, वो है टेररिज्म पे काबू पाना, और ये जो डबल स्पीक रही है और ये जो उनका कंट्राडिक्शंस रहे हैं पॉलिसीज के ऑन द क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म, इसको जब तक वो रेक्टिफाई नहीं करते उस वक्त तक जाहिर है कि उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो रहेंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये अब रियलाइज हो रहा है। हमीद साहब, आपके ही लिए एक और सवाल है शशि भूषण जी का। ये कहते हैं कि मुसलमान के साथ जब भी बहस की शुरुआत की जाए तो सबसे पहला सवाल उनसे करना चाहिए कि धरती का साकिन है क्या, यानी कि क्या धरती स्थिर है, और यह बता दे कि सूरज धरती का चक्कर लगाता है, यह धरती सूरज या धरती सूरज का चक्कर लगाती है। इन तीनों सवालों का जवाब अगर कोई दे दे तभी आगे बात करनी चाहिए। मौलाना साहब, आपसे भी मैं जरूर ये पूछूंगी। जी ना जमीन घूमती है ना सूरज घूमता है। सवाल ये अब तो फतवा हो गया ना, ये अमित फतवा साहब जी, फिर क्या घूमता है, फिर हम इंसान घूम रहे हैं मौलाना साहब, फिर तो इंसान ही घूम रहे हैं और तो कुछ हो ही नहीं इंसान ही सकता। घूम रहा है, इंसान ही घूम रहा चलिए, है। ये आपकी बात है हमीद साहब, आप मौलाना साहब की बात से इत्तफाक रखते हैं। नहीं, कतन इतफाक नहीं रखता। देखें, यही तो हिस्ट्री की ट्रेजेडी है ना, कि तारीख में कितने साइंटिस्ट आए, इसमें इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, जी इस्लाम, कोई भी रिलीजन, इवन क्रिश्चियनिटी में इससे पहले के ये जो ख्यालात थे फरसुदा किस्म के जमीन नहीं घूमती या सूरज नहीं की, तो यानी लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, उसकी जी बुनियाद पे कितने लोगों को मारा गया, फांसी चढ़ाया गया, उनके साथ इस तरह की नाइंसाफी हुई। चूंकि इसमें हमें ये काम जो है वो साइंस पे छोड़ देने चाहिए, कि ये साइंस का काम है कि वो कायनात के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च है कि कौन सा जो है वो प्लानट किसके गिर्द घूमता है और कौन सा नहीं घूमता। रहा सवाल इसका, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन को अगर हम ओपन करें, यही बैक टू दिस सऊदी आइडिया कि पूरी दुनिया में मसलन हम बच्चों को पाकिस्तान में या इस तरह के मुल्कों में इस्लामियात पढ़ाने के बजाय उनको साइंस पढ़ाएं, उनको जो है, ये इसका मतलब ये नहीं कि इस्लामियात ना पढ़ाएं, इस्लामियात का अपना एक रोल है, वो भी होनी चाहिए, जिस तरह मैंने कहा कि बाकी तमाम मजाहब के बारे में भी पढ़ाया जाए, लेकिन हम साइंस में इस्लामियात ना पढ़ाएं। जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये तय है कि जी सूरज के गिर्द, जमीन सूरज के गिर्द नहीं घूमती या क्या, चूंकि ये जी जो है साइंस पे छोड़ेंगे हम, तो साइंस में पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उसमें अगर गलत भी है तो साइंस अपने प्रोसेस में उसको रेक्टिफाई करेगी अपने नॉलेज और तजर्बे की रोशनी में, लेकिन हम मजहब की तरफ से ले जाके उनको इम्पोज कर दें कि जनाब ये फतवा आ गया, चूंकि खुदा ताला ने फरमा दिया या फतवा उन्होंने नहीं है, फरमा फतवा नहीं है, इसको दिया, फतवा तो मत कहिए, फिर ये फतवा मत कहिए इसको। चलें फतवा ना कहें, लेकिन आप यूं कह लें कि ये एक अमरे मसलमा है, यानी तस्लीम शुदा हकीकत ही कह लें, फतवा जी ना कहें, बिल्कुल, जी तो बिल्कुल, फिर भी जो हमने है अपनी ये, हाँ, किताबों में यही पढ़ा है। पढ़ा है, बिल्कुल सही है, और इसीलिए ये हर किताब पढ़ाना जरूरी है बच्चों को, ताकि उनको कहें कि इस्लाम वाले समझते हैं कि ये अमरे मसलमा का मतलब है एक्सेप्टेड ट्रुथ, और जो मसलन साइंस वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, इज ऑलवेज ओपन फॉर क्वेश्चनिंग, और इसको क्वेश्चन के लिए रखना चाहिए ताकि इंसान को सच्चाई का पता चले। तो इन बहसों में अगर आप पढ़ेंगे, ये देखें फलसफे की बहसें हैं, साइंस की बहसें हैं, करेक्ट ये उन लोगों पे करेक्ट, छोड़नी चाहिए, मजहब को भी इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, मौलाना साहब बिल्कुल अपना बिल्कुल काम करें, वो अपना काम करें, सच्चाई जो है वो किसी की हजारा तारीफ करेक्ट। उसमें है नहीं, तो असल बात ये है। मौलाना साहब, आपसे बस ये व्यूअर का आखिरी सवाल है, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे। अरुण प्रधान जी पूछते हैं, भारत में मुस्लिम आबादी अपने व्यवहार में पहले इस्लामिक होते हैं, बाद में वे शायद अपने भारतीय होने का परिचय देते हैं, क्या राजा साहब इससे सहमत हैं?
रजा साहब, असल में मसला क्या है, ये सवाल इस तरह से हिंदुस्तान में गर्दिश कर रहा है कि साहब आप पहले संविधान को मानते हैं कि इस्लाम को मानते हैं। देखिए उसी संविधान ने, नहीं, फ्रांस उसी में भी कर कुरान रहा ने, है, जर्मनी में भी कर रहा है, पूरी दुनिया में कर रहा है। चलिए मान लिए, मान लेते हैं, हम एक बात आपको बता दें, नहीं मानिए अब मत देखिए मौलाना साहब, मानिए बस दिल से मानिए, या तो और या रहने दीजिए, मानिए मत। हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं, उस इस्लाम में एक बात कही गई है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करके रहो, और इस्लाम अपने वतन से मोहब्बत करना ईमान का एक हिस्सा है। तो हम जिस भारत में रहते हैं, या जो आदमी जिस मुल्क में रहता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस मुल्क से मोहब्बत करे करे। और हम अपने भारत में रहते हैं, और माशाल्लाह अगर हम मक्का मदीना की बात ना करें, मैं सऊदी हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं डॉक्टर साहिबा, मैं मक्का और मदीना चूंकि बहुत मुकद्दस मकामात है हमारे, ये मक्का और मदीना के अलावा अगर हम बात करें तो दुनिया में भारत से अच्छा दूसरा कोई मुल्क नहीं। मौलाना साहब आपकी इसी बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, यह अलग बात है कि हम काफिरों के लिए वहां रास्ते बैन है, सड़क पे दूर से ही होर्डिंग लगा रखे हैं कि इससे आगे सिर्फ मुस्लिम ही जा सकेंगे। बड़ी हमारी दिली ख्वाहिश है वैसे तो कि हम भी मक्का मदीना जाएं, हम भी उन्हें चूमकर अपनी तरफ से उस ईश्वर को भी माने, लेकिन अपने ईश्वर के साथ साथ दुनिया भर के मुल्कों में हम चर्च में भी जा सकते हैं, मंदिरों में भी जा सकते हैं, बस हमें वही इजाजत नहीं है। तो आप कहिएगा सऊदी यहाँ अरब को जाते वो हैं लोग रास्ते भी खोल दे। गरीब नवाज के रोजे पे जाते हैं लोग, गरीब नवाज के रोजे पे जाते हैं लोग। जी, नहीं वो तो यहाँ जाते हैं ना। और मेरा आखिरी सवाल बस ये है व्यूअर्स के, मैंने सवाल ले लिए हैं हामिद साहब, आप तीनों ही से है ये मेरा सवाल। मैं मान लेती हूँ 1% पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया है, पूरी दुनिया इस्लामिक हो गई है, मान लेती हूँ, उसके बाद मौलाना साहब क्या उसके बाद क्या बात ही खत्म हो गई? फिर ये जो अरब वर्ल्ड में जो सारे मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, फिर वो क्या होगा? सिया ये सुन्नी, अब जो वो डिवाइड हो जाएंगे, फिर सिया सुन्नी ये में, अहमदिया में। शिया सुन्नी मैं का बता कोई देता हूं झगड़ा जी, नहीं है। हमारे यहाँ मिश्रा जी आप जो सुना इंसान कुरान दूंगा। मान रहा, जो इंसान कुरान पर ईमान रखता है, हदीस पर ईमान रखता है, वो आपस में लड़ नहीं सकता। जो उसमें कंट्रोडिक्शन पैदा करेगा उन्हीं में आपस में हो रहा है। जैसे अब मान के चलिए अल बगदादी अपने आप को खलीफा साबित कर दे, तो इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं है, इस्लाम उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है। वो अपनी तरफ से कोई चीज कर रहा है, वो जाने ले रहा है, जाने दे रहा है, इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं। इस्लाम मना करता है कि आप ना तो किसी की जान लीजिए और ना जो है किसी के ना फिर खुदकुशी उनके कीजिए, इतने तो सारे किसी भी फॉलोवर्स इस्लाम कैसे का हो हराम जाते नहीं। हैं मौलाना साहब? और यही वाली बात आपने जब कह दी कि जब मसला ही खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरी धरती पे इस्लाम ही होना चाहिए, बाकी मजहब होने ही नहीं चाहिए। नहीं, सब देखिए सारे मजहब होनी चाहिए, तो कैसे समझ में आएगा? फिर दुनिया बड़ी खूबसूरत है, सारे मजहब की गुंजाइश होनी चाहिए। आपने जो सवाल किया है मैंने उसका जवाब दिया है कि जब उसको आप ऐसे भी कह देते कि डॉक्टर साहब आप गलत है, पूरी दुनिया इस्लाम क्यों माने, सभी सब धर्मों को नहीं, माने। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए जिसको जो मानना होगा वो मानेगा, ना तो हमारे कहने से मानेगा ना आपके कहने से मानेगा। और ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म नाफिज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत दुनिया होना भी है नहीं डॉक्टर चाहिए साहब, बहुत बिल्कुल एक दूसरे को जी। समझने का मौका मिलना चाहिए। जी बसानी साहब, आपसे और मिश्रा जी आपसे बस क्लोजिंग रिमार्क लूंगे आज के सेशन का, कि जिस तरह से इस्लाम पर अक्सर, मतलब हमारे ज्यादातर डिबेट्स होते हैं हमारे इस्लाम पर आधारित होते हैं, क्या इसकी वजह यह है कि इस्लाम में सुधार नहीं हो रहा है और उसमें गुंजाइश बहुत ज्यादा है, या लोगों को अवेयर करना चाहिए? नहीं, देखिए मेरी मैं तो आपको इसमें, एक, सॉरी आप बोलिए बोलिए। क्या? नहीं नहीं जी बोलिए, जी हामिद मेरे साहब से आप साहब आप बोलिए। बोलिए। मेरी तो इसमें यह है कि इस्लाम जो है प्रॉब्लम उस वक्त बनता है जब आप इसको पॉलिटिकल इस्लाम के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं। इस्लाम को आप अगर बतौर मजहब प्रोजेक्ट करें कि ये मजहब है, जैसा कि अभी मौलाना साहब ने कहा कि सारे मसाइब की गुंजाइश होनी चाहिए, और दुनिया खूबसूरत तभी होगी कि इसमें डाइवर्सिटी होगी और सब अपने अपने तौर पे अपने अपने अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारें और दूसरे पे इम्पोज ना करें। जब दूसरे पे इम्पोज का मतलब ये है कि जब आप इसको दूसरे को पॉलिटिकली इम्पोज कर रहे हैं कि जी हम दुरुस्त हैं और आप गलत हैं, या आप भी हमारे साथ आ जाएं, तो तब प्रॉब्लम बनता है। तो ये बहुत मामूली सी बात है, दुनिया की हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये एक्सेप्टेड ट्रूथ है कि लोगों को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए और लोग अपने अपने मजाहब को अपने अपने तौर तरीके से जो है वो एक्सरसाइज करें, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक सुपरमेसी होनी चाहिए जो इस सब को मॉनिटर करे, जैसा कि हो रहा है तरक्की याफ्ता दुनिया में, इवन तरक्की पजीर दुनिया में भी, जैसे इंडिया में भी जो है वो एक सेकुलर सिस्टम है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके एक्सेप्ट किया जाए तो। जी मिश्रा जी, आपका क्या क्लोजिंग रिमार्क है इस पर?
देखिए, मेरा क्लोजिंग रिमार्क ये है, मैं मान लेता हूं कुरान वगैरह सब सही है, बहुत खूबसूरत चीजें लिखी हुई हैं हदीस वगैरह में। प्रॉब्लम ये है, 1400 साल से इस समस्या का समाधान क्यों नहीं है? तब भी इस्लाम का डर था, मुसलमानों का डर था, आज भी है, और फ्रांस में हो रहे हैं, जर्मनी वाले विरोध में है, सब जगह है। इसके पीछे एक कारण है, कारण ये है कि जो मैंने बोला, एज ए होल देखा जाए तो एक रिलीजन कंप्लीट तब होता है, उसकी प्रिंसिपल, उसकी आइडियोलॉजी जो बुक्स में है उसको फॉलो करने वाले लोग प्रैक्टिकल धरातल पे इंप्लीमेंट क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आदमी की, राजाओं की, शासकों की अपनी फितरत है कि अपने हिसाब से बेडरूम से शुरू करके ड्राइंग रूम तक आएंगे, इस्लाम बदल जाएगा, घर के बाहर रखेंगे, इस्लाम बदल जाएगा, मस्जिद में जाएंगे तो लिखा कुछ और है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ और है, किसी काफिर से मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर के लोग से मिलेंगे, वहां पे फिर इस्लाम के दूसरे जो है आपको गाइडलाइन आ जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन बदल जाता है। सब तो एक होता है, चाहे वैज्ञानिक से देखिए, दृष्टिकोण से, चाहे उससे, ये कॉन्ट्राडिक्शन जब तक ये लोग दूर नहीं करेंगे ना, तब तक ये जो उल्फत टाइप की छाई हुई है इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामोफोबिया जो बन रहा है, उसके लिए दूसरे लोग वो नहीं है। और एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोलूंगा, ये हमेशा फोर्स करते हैं कि आप कुरान पढ़िए, आप इस्लाम को समझिए। अरे हम क्यों पढ़े, दूसरे धर्म के लोग क्यों पढ़े, हमारे पास 500 काम और है। गलती आपने की है, करेक्शन, क्या आपके पास इतनी भी अकल नहीं है कि आप खुद पढ़ के समझ करके दूसरों को देख के करेक्ट कर लें? एग्जाम में मैं फेल हो गया तो मैं पढ़ूंगा ना कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, कहाँ गलत लिखा था। तो इन देखिए, अभी भी ये एक जाल है, पूरी दुनिया के लोगों को ये पॉजिटिव वे में, सॉफ्ट वे में बोल रहे हैं कि भाई आप पढ़ो, आप समझो, ट्रांसलेटेड बुक्स है। दुनिया के पास टाइम नहीं है साहब, दुनिया वही करेगी जो फ्रांस और जर्मनी सब लोग कर रहे हैं। अगर आपको बदलना है, आपको तरक्की याफ्ता बनना है, तो आप पढ़िए, आप बदलिए, आप चेंज करिए, दुनिया को मत बोलिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन जिस दिन खत्म हो जाएगा, ये सारी उल्फत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से हामिद साहब ने भी कहा कि राजनीतिक इस्लाम खतरनाक है, इस्लाम खतरनाक नहीं है, इसी तरह से जब धर्म और सियासत दोनों एक मंच पर आ जाती है तो उसमें जनता पीसती पीसती है। प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले हामिद साहब, बस आपसे एक रिमार्क लेना चाहूंगी, जो अभी हाल ही में हुआ लाहौर के जो मेंटल हॉस्पिटल में मुस्लिम नर्स चली गई और उन्होंने एक एक तरह से वहां पे धमकी सी दी है कुछ इस तरह का, या कुछ मुस्लिम गान वगैरह गाए हैं, ये क्या था? वो कि ईश निंदा का कानून लागू हो जाएगा, ये सब क्या था सर? ये जी सीधा सीधा अटैक है और असाल्ट है पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे और दूसरे मजाहिब जो माइनॉरिटीज राइट्स के खिलाफ, जो वहाँ पे सैकड़ों ऐसे इंसिडेंट होते हैं एवरी सिंगल डे, दिस इज वन ऑफ देम। सीधा सीधा अभी इसको ऐसे लगी लिपटी बना के पेश करने का कोई मकसद नहीं है। वहाँ पे अब सिचुएशन ये आ गई है जो इस तरह का इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का एग्रेशन इस हद तक बढ़ गया है कि अब वहां की ख्वातीन जो हैं वो जुलूस निकाल के चर्च पे हमलावर होती हैं और वहां पे नर्सों को दर्स देती हैं, जैसे अभी ये कह रहे थे कि जी आप ये क्यों कर रही हैं और ये क्यों नहीं कर रही हैं। तो ये बहुत ही जो है ना खौफनाक बात है, बहुत ही खौफनाक। तो सर, जो ईश निंदा का कानून जो पाकिस्तान में है, वो मुस्लिम के अलावा बाकी सभी धर्म मानने वालों पे लागू होता है? किस चीज का कानून, क्या लफ्ज़ आप? ईश निंदा का कानून पाकिस्तान में है ना? ब्लैस्फेमी, हाँ ब्लैस्फेमी का, जी। वो तो लागू बना ही जो है माइनॉरिटीज के खिलाफ है बुनियादी तौर पे। आल दो के जाहिर है इक्का दुक्का उसमें मुस्लिम भी कहीं फंसे हैं इस हवाले से, लेकिन बुनियादी तौर पे कानून बनाने का मकसद ही यही था। और ये कानून जो है वो अब पाकिस्तान का हर बाशऊर आदमी जिसमें जरा भर भी कोई सैनिटी है वो अब ये मुतालबा कर रहा है कि इस कानून को रिकंसिडर किया जाए और इसमें जो जूल्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई करके तो इसको दुरुस्त किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हामिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मौलाना साहब आपका भी थैंक बहुत यू मैम। बहुत शुक्रिया। और हामिद साहब और मौलाना साहब और मिश्रा जी, आप लोगों के साथ और कुछ डिबेट्स जरूर कंटिन्यू रखूंगी मैं आने वाले दिनों में, क्योंकि मौलाना साहब आप तो हमारे स्कॉलर हैं, हामिद साहब हमारे बैरिस्टर हैं, और मिश्रा जी भारत का एक तरह से बुलंद कर लेते हैं, भारतीय कल्चर को लेकर चलते हैं, थैंक मतलब मॉडरेट की तरह भूमिका के रूप में आऊंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वर्ल्ड 360 विद मधु में आज जुड़ने के लिए। यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया। तो वर्ल्ड 360 विद मनु में ये थे हमारे आज के मेहमान, बैरिस्टर हामिद बसानी साहब कनाडा से, और एके मिश्रा जी भारत से, और मौलाना साहब गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन भी भारत से हमारे साथ जुड़े थे। और बड़ी बेबाकी से हमारे
तीनों ही गेस्ट ने जो हमारा आज का सब्जेक्ट था बदलता सऊदी अरब एक नया आकार लेता हुआ और ऊपर उस पर अपने अपने विचार हम लोगों से साझा किए और हमारे व्यूअर्स के भी सवालों के काफी हद तक उन्होंने जवाब दिए, क्लियर कट जवाब दिए। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, बहुत जल्द मुलाकात करते हैं एक नए सब्जेक्ट और हमारे नए मेहमानों के साथ। और आप सब यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा और आज के जो प्रोग्राम का जो कंस्ट्रक्टिव विचार निकल कर आता है वो ये आता है कि कोई भी मजहब बुरा नहीं होता है बशर्ते उसको सियासत के साथ कनेक्ट ना किया जाए। जितना धर्म, अपनी अपनी आस्था सबकी होनी चाहिए, सबको अपने धर्म को फॉलो करने का अख्तियार होना चाहिए, अपनी आस्था अपने फेथ में यकीन होना चाहिए और सभी को आजादी होनी चाहिए कौन किस मजहब से है या एक मजहब को दूसरे मजहब में कन्वर्ट करवाना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए और सियासत को इन सब से, धर्म से हजारों किलोमीटर दूर रखना चाहिए। और जब ये चीज हो जाएगी उस वक्त हर देश में अमन और सुकून और शांति खुद ब खुद आपको नजर आने लग जाएगी। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही और प्रोग्राम के अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कोरोना पेंडेमिक में हमारे देश इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। अपने लोगों से हर प्रोग्राम के बाद मैं जरूर इल्तिजा करती हूँ कि मास्क लगाना मत भूलिए, सैनिटाइज करना मत भूलिए और 2 फीट का डिस्टेंस जरूर मेंटेन कीजिए। आप खुद को महफूज रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, समाज खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगा। प्लीज प्लीज लोगों के बहकावे में आके कहीं भी भीड़ के रूप में इकट्ठा मत होइए। हमारी सरकार से जो गलतियां हो गई, जो सख्त रूल उन्होंने एप्लीकेबल नहीं करवाए हैं उसकी वजह से आप अपने आप को, अपनी जान को खतरे में मत डालिए। बहुत सिंपल से एक सेंटेंस है, जान है तो जहान है। आपके सारे मसले बाद में हल हो सकते हैं, पहले खुद को सुरक्षित रखिए, अपने देश को बचाए रखिए। जैसे ही ये पेंडेमिक थोड़ा सा स्थिर होगा उसमें उसके बाद अपने सवाल लेके आप चाहे सरकार से पूछिए चाहे राज्य सरकार से पूछिए, अपने सब नेताओं से आप सवाल पूछने का हक रखते हैं, पर पहले खुद को बचाइए। और जो गरीब जो इस वक्त दिक्कत का सामना कर रहे हैं, और हकीकत ये भी निकल कर आ रही है कि सरकार जरूर फेल हो गई है, जनता ही जनता का सपोर्ट कर रही है आज के टाइम में हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की काला बाजारी भी की जा रही है। जिन लोगों को जरूरत नहीं है उन्होंने अननेसेसरी ये सोचकर कि हाँ हो सकता है हम बीमार पड़ जाए अपने घरों में सिलेंडर्स ला ला के रख लिए हैं। प्लीज आप इस तरह का कुछ मत कीजिए, किसी जरूरतमंद को उसकी आपसे ज्यादा इमरजेंसी में जरूरत हो सकती है, तो प्लीज लोगों का सपोर्ट कीजिए और खुद का ध्यान रखिए और अपने आसपास सबका ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, गुड नाइट, शबा खैर।